Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. कौन से ग्रेड का सीमेंट हमें किस में यूज करना चाहिए? जब भी हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में हमारा सीमेंट यूज होता ही है। तो हम लोग जो भी मार्केट से सीमेंट खरीद के लाते हैं उस सीमेंट पे क्या क्या मार्किंग्स होते हैं या फिर जो हमारा सीमेंट का ग्रेड होने वाला है वो कितना होना चाहिए, क्या उन बातों पर हम लोग ध्यान रखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीमेंट के ग्रेड के बारे में। 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड, ये ग्रेड क्या होता है और ये ग्रेड कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ग्रेड ऑफ सीमेंट को समझने से पहले हम लोग कुछ सीमेंट बैग के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा सीमेंट बैग होता है उस पे कुछ मार्किंग्स होते हैं, वो क्या क्या मार्किंग्स होते हैं। जैसे कि आपको सामने एक सीमेंट बैग दिख रहा होगा और इस बैग में जो हमारा जो भी मार्किंग्स है उन पोजीशन को दिखाया हुआ, उन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं पहले। कि सबसे पहले उसमें कुछ यूजर गाइड लिखे होते हैं कि आपको जो हुक्स नहीं लगाना है सीमेंट के बैग में, आईएस कोड लिखा होता है, जो भी आईएस कोड के हिसाब से हमारा सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और आपको जब भी सीमेंट बैग लाना है उस पे एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पे ISI का मार्का हो, साथ ही साथ उसका कुछ BH यूनिट नंबर लिखा होता है। और जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड के बारे में, वो ग्रेड भी आपके सीमेंट बैग में लिखा होता है और कौन से टाइप का सीमेंट होगा, साथ ही साथ जिस भी कंपनी का आप सीमेंट खरीद के लाते हैं उसका ब्रांड नेम और उस सीमेंट बैग पे उसका प्राइस लिखा होता है। और जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है सीमेंट को खरीदने से पहले, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को, जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि सीमेंट को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने तक ही हम वो यूज कर लेना चाहिए, उसके बाद हमारा उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है। साथ ही साथ तो इस वीडियो में हम लोग जो ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं उस ग्रेड को, जैसे कि यहाँ पे भी आपका सीमेंट का बैग है और सीमेंट बैग में यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है, तो इस ग्रेड के बारे में हम लोग समझेंगे। 3 टाइप्स के ग्रेड मिलते हैं आपको, 33, 43 और 53। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 33 ग्रेड का। 33 ग्रेड आप जब भी कोई सीमेंट बैग लाते हैं उस पे अगर आपका 33 ग्रेड मार्का होता है, ये 33 इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो भी 28 डेज लगातार क्यूरिंग करने के बाद जब हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उसका जो हमारा स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 33 न्यूटन पर MM² आना चाहिए IS 4031 के हिसाब से। तो ये इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। और इसका जब हम लोग इसकी फाइननेस को चेक करते हैं ब्लेंस एयर परमिलिटी मेथड के हिसाब से, 225 मीटर पर केजी से कम नहीं आना चाहिए। वहीं पे अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हमारा 33 ग्रेड का सीमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टी मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग जो हमारा 33 ग्रेड का सीमेंट होगा अगर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम चेक करें 3 दिन के अंदर तो उसका तो 16 न्यूटन पर MM² से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जब उसका 7 दिनों पे चेक करते हैं तो हमारा 7 दिनों में 22 न्यूटन पर MM² से कम नहीं होना चाहिए। 28 डेज के बाद हमारा 33 न्यूटन पर MM² आना चाहिए। जो हम लोग 33 ग्रेड का सीमेंट जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं जहाँ पे टिपिकल वैसा एनवायरमेंट होता है, साथ ही साथ जहाँ पे हमारा मास कंक्रीटिंग होता है एक लार्ज एरिया में और हमें PCC करना होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीटिंग या फिर जो प्रीपेड प्लास्टर होते हैं उस सरफेस में हमें करना होता है, तो जनरली वहाँ पे हम लोग 33 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं। मोस्टली आज के डेट में 33 ग्रेड का सीमेंट बहुत ही कम यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा 43 ग्रेड। ये 43 ग्रेड जो भी हम क्यूब बनाएंगे सीमेंट का उसका जो हम लोग चेक करेंगे 28 डेज आफ्टर क्यूरिंग, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 43 न्यूटन पर MM² से कम नहीं आना चाहिए। इसका IS कोड है IS 8112। और अगर इसकी फाइननेस वैल्यू की बात करें तो फाइननेस वैल्यू होगा इसकी भी 225 मीटर पर केजी से कम नहीं आना चाहिए। वहीं पे अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 3 दिन के अंदर 23 न्यूटन पर MM² से कम नहीं होना चाहिए, 7 डेज के अंदर 33 न्यूटन पर MM² से कम नहीं होना चाहिए, जो कि हमारा 33 ग्रेड का 28 डेज के बाद आ रहा था। और हमारा 28 डेज के बाद हमारा जो 43 ग्रेड का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो
43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए। हमारे इंडिया में मोस्टली 43 ग्रेड का यूज हो रहा है और इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का 50% 43 ग्रेड प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में। 43 ग्रेड सीमेंट की बात करूँ तो इसका यूज कंक्रीटिंग वन रेनफोर्समेंट में होता है, फ्लोरिंग में हम लोग करते हैं, प्लास्टरिंग में कर लेते हैं और ज्यादातर जो हमारा एस्बेस्टस प्रोडक्ट होता है, जो हम लोग एस्बेस्टस की पाइप बनाते हैं या फिर जो हमारा एस्बेस्टस का सीट बनता है, उस चीज में हमारा 43 ग्रेड का सीमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 53 ग्रेड IS 12269-1987 टेस्ट के हिसाब से जो हमारा 53 ग्रेड है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिनों के बाद आफ्टर क्यूरिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका 3 दिनों के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, वहीं पर 7 डेज में 37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए और जो हमारा 28 डेज होगा उसमें हमारा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। वहीं पे सेम अगर इसकी फाइनेस मॉडुलस की बात करूं तो इसका ब्लेंस एयर परमिटिविटी टेस्ट में सेम 225 मीटर पर केजी से कम नहीं होना चाहिए और जो हमारा 53 ग्रेड है अगर उसकी एक्सपांशन वैल्यू की बात करें तो इसका 10 mm प्लस माइनस चल सकता है और 0.8% जो हम लोग ऑटोक्लेव से चेक करेंगे तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो हमारा 53 ग्रेड का सीमेंट होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है और इस लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर इसके यूज की बात करें तो अब ज्यादातर 53 ग्रेड ही सारे चीजों में यूज किया जाता है। ज्यादातर आपके एयरपोर्ट में जो एयर रनवेज बनते हैं या फिर हमारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड बनते हैं, हाई स्पीड रोड या फिर जो ब्रिज बनते हैं, हाईवे, उन सब चीजों में हमारा 53 ग्रेड ही ज्यादातर यूज होता है। आशा करता हूं कि अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये ग्रेड क्या होता है, ग्रेड के हिसाब से आपको कौन सा सीमेंट आपके काम में लगाना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।